कलयुगी मां ने तीन बेटों को नदी में डुबा कर की हत्या, चौथा बेटा जीवित बचा। गुरुवार की सुबह मां ने दिल दहलाने वाली घटना को दिया अंजाम। औरैया अपने पारिवारिक देवर के साथ रहती है हत्यारिन मां। तड़के औरैया से बच्चों को लेकर आई थी। गुरुवार को थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम देते हुए अपने तीन बेटों को नदी में डुबो कर मार डाला। अपने चार बेटों की हत्या करने के लिए उन्हें नदी के किनारे लेकर आई थी। सबसे बड़ा 8 वर्षीय पुत्र बच गया और हत्यारिन मां की घटना स्थल से जाने के बाद बेटा किसी तरह नदी के पुल पर आया। पास स्थित गांव वालों ने घटना के बाबत जानकारी दी। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे। मृतक तीन किशोरों के शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्यारी मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना क्षेत्र के गांव बौरवा निवासी भूरे सविता की पुत्री प्रियंका 28 वर्ष की शादी लगभग 10 वर्ष पूर्व बसरेहर थाना क्षेत्र के साथ के गांव में लुइया निवासी अवनीश सविता के साथ हुई। 2 वर्ष पहले अवनीश के घर में करंट लगने से मृत हो गई। तब से प्रियंका अपने ससुराल में रह रही थी। चचिया ससुर के लड़के जो रिश्ते में उसका देवर लगता है, उसका आना जाना प्रियंका के पास था। गांव में चर्चा हो जाने के कारण प्रियंका 6 महीने पहले अपने मायके फफून थाना क्षेत्र के गांव बरो आकर रहने लगी। तब चचिया देवर गांव में उसके साथ ही रहने लगा। 1 महीने पहले औरैया में किराया का कमरा लेकर दोनों रहने लगे थे। प्रियंका के 4 बेटे सोनू 8 वर्ष, आदित्य 7 वर्ष, माधव 6 वर्ष तथा मंगल 1.5 वर्ष भी साथ रहे थे। देवर वालों की कटिंग का काम कर खर्च चला रहा था, लेकिन दोनों में रोज लड़ाई झगड़ा मारपीट होने लगा। गुरुवार को तड़के औरैया से प्रियंका अपने 4 बेटों को लेकर गांव बरोवा चली गई। गांव देवरपुर से लोगों ने देखा कि 3 बच्चे पैदल चल रहे थे, जबकि 1 बच्चे को महिला गोंद में लेकर चल रही थी। बच्चों को लेकर सिंगा नदी का पुल पार करते हुए औरैया कोतवाली क्षेत्र के गांव तालीपुर नदी के घाट पर पहुंची और बच्चों को डुबो कर मारना शुरू कर दिया। इसमें आदित्य 7 वर्ष, माधव 6 वर्ष, मंगल 1.5 वर्ष की मौत हो गई, जबकि सबसे बड़ा बेटा सोनू 8 वर्ष किसी तरह बच गया। मां के घटनास्थल से जाने के बाद सोनू किसी तरह रोड पर आया। पुल पार करते हुए उसने पास स्थित गांव किसमपुर खान में जाकर घटना बताई। घटनास्थल पर हजारों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस कप्तान सहित भारी पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंच गया। पुलिस ने तीनों किशोरों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्यारिन मां को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उप संपादक विमल पांडे के साथ कैमरामैन मोहम्मद साहिल। फफूंद क्षेत्र में केशमपुर घाट पड़ता है, उस पे सूचना मिली कि 2 बच्चों की डेड बॉडी मिली है। लगभग उनकी उम्र 5-6 साल है। इसमें मौके पे सभी राजपत्रित अधिकारी, क्योंकि ये कोतवाली औरैया और फफूंद का बॉर्डर पड़ता है, दोनों सीओ साहब और एसएचओ मौके पर आए हैं। तो यहाँ पे एक छोटा बच्चा और मिला, जिसने बताया इनकी माँ का नाम प्रियंका, वाइफ ऑफ स्वर्गीय अवनीश। अटा बरहुआ ये थाना फफूंद की रहने वाली है। ये आज सुबह अपने 4 बच्चों को यहाँ घाट पे लेके आई, कुछ इसको खिला के यहाँ पे पानी में डुबो के छोड़ के चली गई। अभी मौके पे 3 बच्चे मिले हैं, जिनमें से 2 मृत अवस्था में मिले हैं, जिनके मुंह से कुछ झाग आ रहा है, और 1 बच्चा जो ठीक है उसने बताया कि मम्मी आज सुबह लेकर आई थी और मुझे भी डुबाया। और जो चौथा बच्चा है, जिसकी उम्र लगभग 1.5-2 साल है, वो अभी मिसिंग है। उसकी संभवतः उसकी भी मृत्यु हो गई है, उसकी डेड बॉडी को ढूंढवाया जा रहा है गोताखोरों से। पूरे प्रकरण में महिला के पति की मृत्यु 1.5 साल पहले हो गई थी और ये अपने चचेरे देवर के साथ रह रही थी। किस घटना के कारण इन्होंने ऐसे किस कारण से ऐसी घटना कारित की है, उसके संबंध में अभी सभी पहलुओं पे जांच की जा रही है। महिला को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है। पूरे घटनाक्रम में कैसे घटना कारित की गई है, क्या हुआ है, उसके अनावरण के लिए टीम्स लगा दी हैं। और अभी बच्चों का जो 2 बॉडीज मिल गई है, उनका पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। मौके पे परिवार से बच्चों के नाना और कुछ और लोग आ गए हैं। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है।